भारत के अंदर आज भी बहुत से ऐसे राजघराने हैं जो शताधीश और भारत की राजनीति में बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं। लेकिन अगर उनके राजवंश की बात की जाए तथा उनके परिवार के इतिहास की बात की जाए तो वे ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपनी जवानी और अपना जीवन त्याग करने वाले बहुत से क्रांतिकारियों को पकड़वाने का तथा उन्हें मारने का प्रयास किया गया है। अगर उन्हीं खानदानों में से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधिया राजघराने की। सिंधिया राजघराना जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों को मरवाने के लिए अंग्रेज सेनाओं को उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दी थी तथा उनके परिवार के लोग आज मुख्यमंत्री हैं। दूसरे अगर राजघराने की बात करें हम तो पटियाला राजघराना। पटियाला राजघराना 1857 के क्रांति के समय युद्ध में अंग्रेज जब वहां से भाग गए थे तो अंग्रेजों को पत्र लिखकर वापस बुलाकर तथा 20,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं तथा 20,000 सैनिक देने का वादा पटियाला राजघराने के राज प्रमुख ने किया था। और इन्हीं घराने के लोग आज ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें निजाम खानदान की तो निजाम खानदान वही खानदान है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेजों को भारत की मैसूर की धरती से भागने के लिए मंजूर करने वाले टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया और टीपू सुल्तान को धोखे से मारने का प्रयास किया गया था। और 1799 के युद्ध में अंग्रेजों और निजाम खानदान के राजवंश ने मिलकर टीपू सुल्तान को मौत के घाट उतारा तथा दोनों ने मिलकर विश्वासघात किया। अब हम बात करें जींद का राजा जिसने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग करने के बजाय अंग्रेजी सेना का सहयोग किया तथा बहुत से क्रांतिकारियों को पकड़वाकर फांसी की सजा दिलवाई। अगर एक खानदान एक राजवंश आता है कपूरथला राजवंश जो अंग्रेजों के खिलाफ सिख विद्रोह रोकने के लिए साथ मिलकर अंग्रेजी सेना का साथ दिया तथा हथियार उपलब्ध करवाए थे। सिख विद्रोह को दबाने के लिए सिखों को मारने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तथा अंग्रेजों को हथियार उपलब्ध करवाते हैं। अगर हम बात करें फरीदकोट का राजा, फरीदकोट का जो राजा था इस राजा पहाड़ सिंह जिसका नाम पहाड़ा सिंह मिलता है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ये वही महाराजा रणजीत सिंह जैसे शेरे पंजाब कहा जाता है तथा जिन्होंने जिनका साम्राज्य पाकिस्तान के लाहौर तक फैला हुआ था और इन्हीं के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर फरीदकोट का राजा ने युद्ध लड़ा था तथा ऐसे महान क्रांतिकारी को मारने का प्रयास किया गया था। वहीं हम बात करें श्रावण को राजघराने की तो अंग्रेजों के प्रति वफादार साथी बनकर उनकी तरफ से लड़े जब केरला के राजा पजासी ने 1793 में ब्रिटिश से में युद्ध की घोषणा की तब वे ब्रिटिश की ओर से लड़े थे। और ऐसे गद्दार लोग जो आज भारत की राजनीति पर चरम सीमा पर बैठे हुए हैं और इन्हीं के कारण बहुत से क्रांतिकारी और बहुत से वीर अपने प्राणों का त्याग देना पड़ा। अगर ये सभी लोग गद्दारी नहीं करते हमारी मातृभूमि से तो शायद हमारा देश कभी का आजाद हो चुका होता। अगर हम बात करें तात्या टोपे की, चंद्रशेखर आजाद की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की और महाराणा सांगा की तो बहुत इन ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मृत्यु किसी न किसी विश्वासघात के कारण हुई है और किसी न किसी धोखे के कारण हुई है। अगर हम बात करें रणथंभौर के राणा हमीर की जिनके साथ भी उन्हीं के विश्वासपात्र रणमल और रतिमल ने धोखा किया और धोखे से किले के द्वार खोल दिए और मुगल सेना अंदर आ गई। ऐसे राजस्थान और ऐसे भारत के बहुत से ऐसे युद्ध हुए जिसमें मुगल सेना या अंग्रेजों ने धोखे का प्रयोग कर वहां के राजा तथा वहां के क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा है। जय हिंद।